फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। इस स्टॉक ने पिछले कई दिनों से लोगों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। आईपीओ में भी अच्छी खासी लिस्टिंग हुई थी, आईपीओ के बाद में लिस्टिंग गेन अच्छा मिला, लेकिन उसके बाद में जो इसने स्पीड पकड़ी है वो बहुत ही लाजवाब है। इस तेजी में लोगों को जबरदस्त रिटर्न मिला है, लेकिन इसकी जो तेजी है ये वो यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। इसकी अभी बहुत बड़ी उड़ान बाकी है, और इसके पीछे वजह है इसके बिजनेस के मामले में इसकी मोनोपोली। जो ये प्रोडक्ट बनाती है उसकी मोनोपोली है और ये बाजार की लीडर है, और इस वजह से यह स्टॉक बहुत आगे तक जा सकता है। आने वाले समय में यह दूसरा दीपक नाइट्रेट बन सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है और ये परफॉर्मेंस आगे भी जारी रह सकती है। तो क्या इस संभावना बन रही है स्टॉक को लेकर, क्या इस समय निवेश करना चाहिए? पिछले काफ़ी दिन से ये दौड़ा है और स्टॉक ऊपर आ चुका है, क्या यहाँ से अब निवेश के लिए मौका बनता है या फिर अभी वेट करना चाहिए, कुछ करेक्शन आ सकता है? और आगे अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें तो क्या हमको शॉर्ट टर्म और क्या इसके लॉन्ग टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में ये स्टॉक में निवेश करने पर हमें कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गुरुवार के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ था 515 पर, हाई बनाई 528 की, लो बनाया 512 का, और अंत में 514 पर करीब 1.98% अप पर क्लोजिंग दिए। फिलहाल स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग का मोड शुरू है, लेकिन अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो BSE में 437,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 127,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज 29.16% है। NSE की बात करें तो 59,74,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 18,54,000 की डिलीवरी उठाएगी, डिलीवरी का परसेंटेज 31.04%, और स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 55 लाख का वॉल्यूम था, और बुधवार को 99 लाख का वॉल्यूम था, गुरुवार को 64 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। कंपनी ने इसके IPO की प्राइस 130 रखी थी, लेकिन लिस्टिंग बहुत ही शानदार हुई और 143 इसकी लो बनाई थी उसने लिस्टिंग के समय, और 528 इसका ऊपर का हाई लेवल है। काफ़ी अच्छा अभी स्टॉक दौड़ चुका है और वहाँ से अपनी IPO प्राइस से, और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी BSE पर वो 156 पर हुई थी, और जो NSE पर लिस्टिंग हुई थी वो 155 पर हुई थी। तो करीब 20% का प्रीमियम में लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद में स्टॉक ने अच्छी खासी और परफॉर्मेंस दिखाई, लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंपनी के जो कस्टमर है उनमें बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट है, जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब्स है, हेट्रो लैब्स है, लॉरेंस लैब्स है, ये सब इतने बड़े बड़े इनके ग्राहक हैं जिनको ये केमिकल सप्लाई करती है। इसके अलावा UPL, सिजिंटा, सुदर्शन केमिकल इसके प्रमुख एग्रोकेम कस्टमर है। कंपनी को 2/3 रेवेन्यू इन्हीं सेगमेंट से आता है, और निर्यात से कंपनी का 1/4 रेवेन्यू भी आता है, यानी एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है उनका, साथ में ये इंडिया के बड़े बड़े घरेलू कंपनियाँ इनके ग्राहक है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो देश की सबसे बड़ी इथाइल एसीटेट उत्पादक कंपनी है, जिसके बाजार की हिस्सेदारी करीब 30% है। कंपनी डिक्टिन डेरिवेटिव्स बाजार की भी अग्रिम खिलाड़ी है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफ़ी अधिक विविधता है। कंपनी की पहुंच जो है वो 30 देशों में है, तो करीब 30 देशों में कंपनी का कारोबार है। और इस जिस तरह से ये अपने बाजार की लीडर है और जो ये केमिकल का निर्माण करती है उसकी वजह से इनका कारोबार इनको मोनोपोली प्रदान करता है, और इस वजह से स्टॉक आगे बहुत ज़्यादा कमाल कर सकता है। आने वाले समय में ये आपको मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। अभी भी अगर हम कंपनी की बात करें तो 1989 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 13,624.77 करोड़ रुपीज़ का है, और Q1 के रिजल्ट में इसने दमदार प्रदर्शन किया है। करीब टोटल इनकम 740.62 करोड़ रुपीज़ की निकल के आई है, जहाँ पे 42.08% की बढ़त देखने को मिल रही है मार्च क्वार्टर से ज़्यादा। मार्च क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 521.27 करोड़ रुपीज़ थी, और 83.26% की बढ़त देखने को मिल रही है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 404.14 करोड़ रुपीज़ थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 102.32 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो शानदार कंपनी का प्रॉफिट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है।
अगर हम जून क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस करें तो कंपनी का रिवेन्यू 736.35 करोड़ रुपीज का निकल के आ रहा है, जहां पे 82.44% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम 102.32 करोड़ रुपीज की है, तो 379.25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। डायलूटेड ईपीएस 3.85 है, तो वहां पर भी हमें 305.26% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.9% है, तो 162.76% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो आप देख लो, जून क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही दमदार है, उसके दम पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक आगे भी कमाल कर सकता है। अगर हम इसकी फाइनेंशियल सेहत को देखें तो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस 4.65 है, प्राइस टू अर्निंग यानी पी रेशियो 111.19 है, बुक वैल्यू पर शेयर 43.18 है, प्राइस बुक एमआरक्यू 11.97 है, प्राइस अर्निंग टीटीएम 81.20 है, आरओसी 19.98, पीएटी मार्जिन 7.63 और कंपनी ने डिविडेंड दिया 0.10% का, फेस वैल्यू स्टॉक की 2 रुपीज़ है। तो बहुत ही शानदार इसकी सेहत है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है, मतलब लोग इसको पूरी तरह से 100% लेना पसंद कर रहे हैं। अभी भी स्टॉक में आगे अपर सर्किट का दौर चल सकता है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो मार्च में प्रमोटर की होल्डिंग 72.92% थी, जून में उसको एग्जिट रखा। एफआईआई की बात करें तो मार्च में 5.54% की होल्डिंग ली थी, जून में कुछ प्रॉफिट बुक किया 3.58% की होल्डिंग की। डीआई की बात करें तो 6.05% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में उन्होंने भी थोड़ा प्रॉफिट बुक किया 5.01 रखी। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2.70% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 2.13% किया, इन्होंने भी थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी होल्डिंग एफआईआई, डीआई और म्यूचुअल फंड की बनी हुई है, स्टॉक पे लोगों का रुझान बना हुआ है। अदर्स की बात करें तो 15.49% की होल्डिंग मार्च में थी, उसको बढ़ा के 18.49% किया जून में। बहुत ही अच्छी इसकी सेहत है। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट देखना चाहें तो इसके लिए पिवट लेवल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 509 फर्स्ट सपोर्ट है, वहाँ से स्टॉक गिरता है तो फिर 502 तक जा सकता है, और जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 493 का। तो अगर बड़ी गिरावट होती है तो फिर यार ये 500 से नीचे स्टॉक जा सकता है, वरना 500 के ऊपर ट्रेड करता वो दिखाई देगा। ऊपर की तरफ 525 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 534 का है, और जो थर्ड टारगेट है वो है 541 का। तो बहुत जल्द अगर तेजी बनेगी तो ये ऊपर की तरफ दौड़ने लगेगा, 550 तक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। और फ्रेंड्स, बहुत ही मजबूती के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है, इसमें आप एक साल का नजरिया लेके स्टॉक में निवेश कर ले, ये कम से कम आपको 1500 तक जाता हुआ दिखाई देगा। वन ईयर टारगेट इसका 1500 रुपये का, बहुत ही अच्छी इसकी तेजी की आगे भी संभावना बन रही है, बहुत तेजी से ये आगे बढ़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो डेफिनेटली स्टॉक 5000 तक जाएगा इस बार, यह बहुत ही तेजी के साथ दौड़ने वाला स्टॉक है। जिस तरह दीपक नाइट्रेट ने शानदार प्रदर्शन किया, वैसा ही ये स्टॉक है, क्योंकि ये मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनी है और इस वजह से इसके शेयर में तेजी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जिस तरह से यहाँ पे माहौल बना है तो बिल्कुल निवेश के लिए अच्छा स्टॉक बन रहा है, आपको निवेश इसमें करना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कभी भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।